वो राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के चीफ थे। उनके एक इशारे पर समाज के लोग बड़ी तादाद में जुट जाया करते थे। धर्म, संस्कृति और समाज को लेकर वो बेहद हसास, बेहद संवेदनशील थे। नाम था सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी। विधानसभा चुनाव नतीजों के सिर्फ दो दिन बाद जयपुर में उनके घर पर उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। इस हत्याकांड ने राजस्थान सहित पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश भर में समाज आग बबूला हो उठा। कातिलों के गिरफ्त में आने के बाद अब इस हत्याकांड के राज का पर्दाफाश भी हो रहा है। दरअसल इसके पीछे दो लड़कियां भी हैं जो कहीं ना कहीं इस कत्ल की दास्तान की अहम कड़ियां हैं। सबसे पहला आरोपी नितिन फौजी रोहित राठौड़, तीसरा इनके साथ उधम सिंह गिरफ्तार किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के मामले में पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दो शूटरों समेत उन्हें भगाने और मदद मुहैया कराने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये भी कहा जा रहा है कि विदेश में छिपे राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अपने शूटर्स के जरिए गोगा मेड़ी की हत्या कराई है। लेकिन इस कत्ल की साजिश हाल फिलहाल में नहीं रची गई, बल्कि 6 साल पहले से रची जा रही थी। जी हां, बताया जाता है कि 2017 में राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ में गैंगस्टर आनंद पाल सिंह को मार गिराया था। जयपुर भर में आनंद पाल सिंह राजपूत समाज में गहरी पैठ रखा करते थे। उस वक्त उनके काफी फॉलोअर्स भी थे। चर्चा है कि इसके बाद सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी ने राजपूत समाज को भड़काकर काफी समय तक आंदोलन किया था और फर्जी मुठभेड़ में आनंद पाल सिंह के मारे जाने की बात कहकर सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की। यह मुद्दा काफी उछला भी था। पुलिस का कहना है कि आंदोलन के बहाने गोगा मेड़ी राजपूत समाज से करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के बाद मामले से पीछे हट गए थे। इसके बाद आनंद पाल सिंह की बेटी चरणजीत उर्फ चीनू सिंह ने रोहित गोदारा से मिलकर आंदोलन को जारी रखने का बीड़ा उठाया। लेकिन गोगा मेड़ी का इस तरह इस मामले से पीछे हट जाना चीनू को दिल पर लग गया और कहा जाता कि कुछ ही वक्त बाद चीनू ने रोहित गोदारा के साथ मिलकर गोगा मेड़ी की हत्या करने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। पिछले साल रोहित गोदारा का राजस्थान के सीकर के रहने वाले गैंगस्टर राजू थेहट से वर्चस्व को लेकर झगड़ा होने पर उसने अपने गिरोह के 5-6 बदमाशों के साथ मिलकर राजू ठेहट को उसके घर के पास ही गोलियों से भून डाला था। इतना खतरनाक ये मामला हो गया था कि क्या कहने। जब रोहित गोदारा इतना खतरनाक हो चुका था, बावजूद इसके वो गोगा मेड़ी तक नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि वो पीएसओ साथ में रखते थे, इसलिए उन्हें मारने की साजिश गोदारा की कामयाब नहीं हो पा रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आनंद पाल की बेटी चरणजीत चीनू की गोगा मेड़ी से खुन्नस तो समझ में आती है, लेकिन रोहित गोदारा से सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी का क्या लेना देना था। जी हां, था लेना देना, और इसके पीछे भी एक लड़की ही है। रोहित गोदारा का जयपुर में एक 16 साल की लड़की से अफेयर था। गोगा मेड़ी को इस बात की जानकारी मिलने पर उन्होंने करीब 4 साल पहले लड़की से जयपुर पुलिस में शिकायत करवाकर रोहित के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। इससे रोहित को कई साल जेल में रहना पड़ गया था। जेल से बाहर आते ही गोदारा ने गोगा मेड़ी को खत्म करने की कसम खा ली थी। हत्या की कई साजिश नाकाम हो जाने पर आखिर में गोदारा ने दो शूटरों के जरिए पहले गोगा मेड़ी के खास करीबी नवीन शेखावत से दोस्ती की और उसके बाद उन्होंने नवीन शेखावत के जरिए गोगा मेड़ी से उनके घर पर जाकर मुलाकात करने का नाटक करके उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। विशेष आयुक्त क्राइम ब्रांच रविंद्र सिंह यादव के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शूटरों के नाम रोहित राठौड़ और नितिन फौजी हैं और उन्हें भगाने और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराने वाले शख्स का नाम उधम सिंह है। रोहित राठौड़ गोदारा का पुराना शूटर है। सबसे पहला आरोपी नितिन फौजी डूंगरपुर जाट महेंद्रगढ़ का रहने वाला है।
उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद रोहित राठौड़ मकराना राजस्थान का रहने वाला है और तीसरा इनके साथ उधम सिंह जो हिसार का रहने वाला है। अब इसमें मर्डर के बाद जो राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम है एमएन दिनेश, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ था। उन्होंने ये बताया कि मर्डर के बाद इन्होंने जयपुर से डीडवाना के लिए टैक्सी ली, डीडवाना से बस पकड़ के दिल्ली की तरफ चले हैं, इसलिए हमारे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ी। अब ये भी जान लीजिए कि गोदारा देश से बाहर कैसे निकल गया। दरअसल सीकर के जिस बदमाश राजू ठेहट का भी हमने जिक्र किया था, जिसको छलनी कर दिया था रोहित गोदारा ने उसकी हत्या करवा दी थी, उस मामले में स्थानीय पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। शूटरों को गिरफ्तार होते देख रोहित गोदारा देश छोड़कर पहले कनाडा भागा और अब उसके यूरोप में होने की बात सामने आ रही है। उसने विदेश से ही गोल्डी बराड़ गिरोह के साथ साजिश रच के गोगा मेड़ी की हत्या करवा दी। दुश्मनों के गंभीर थ्रेड के बावजूद सुरक्षा को लेकर जरा सी चूक सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या की वजह बन गई।